हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं कॉमन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज स्पॉट लाइट भी नहीं है जो लेंस के सवाल से, जिसके अगर लेंस लगता है काफ़ी दूर तक ये लाइट जाती है। ये अक्सर डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो लाइट भी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं ये किस तरह बनती है। ये 2 इंच का मैंने जो सा ना अप्रोक्सीमेट जो सा 2 इंच का ये पाइप है, और इसका जो सा अंदर होल है वो भी तकरीबन 2 इंच का होल है इसका। ये इसकी बैक कैप है, इसको बंद करने के लिए यहाँ से, और इसके अंदर जो सी हमने लाइट लगानी है उसकी जो सी स्पॉट होगी जिसके ऊपर लाइट लगनी हो। ये लेंस इस्तेमाल करना है मैंने ये वाले जो से। ये सारा सामान जो सा मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये लाइट है 5 वोल्ट की एक लाइट है। इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्ट करेंगे ये 15 वोल्ट हो जाएगा, और फिर हम इसको 12 वोल्ट पर भी चला सकते हैं। लाइट थोड़ी सी कम होगी लेकिन हम इसको 12 वोल्ट पर भी फिर भी चला सकेंगे। इसको मैंने अल्फी के साथ जोड़ लिया इसके ऊपर, और जो सी लाइटिंग को मैं अब सीरीज में कनेक्ट कर लूँगा। जो सी इसकी लंबी वाली तार होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो सी छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। हम नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव, इस तरह करके हम इसकी सीरीज बना लेंगे। इन तीनों को इकट्ठी तरह करके जो सा वो मैंने इनको जोड़ लिया सबको, और ये हमारी जो सी अब सीरीज में लाइट बनकर भी हम इसको 12 वोल्ट भी चला सकते हैं। ये ग्लूगन की मदद से अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह चिपका लूँगा। ये ग्लूगन लगा ली मैंने और ये काफ़ी अच्छी तरह चिपका गया इसके साथ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब जो हमसे इसकी 2 आउटपुट वाली तारें होंगी उस साइड पे, उनके आगे मैं अब काफ़ी सारे टांके लगा लूँगा 2 तारों को, जहाँ से हम इसको इनपुट दे सकेंगे। इन दोनों को मैंने काफ़ी सारे टांके भी लगा ली हैं, अब इनकी शोल्डिंग अच्छी तरह हो गई है। अब इसको उसके अंदर फिट करते हैं। दोस्तों, इस चैनल में आपको इस तरह की एक्सपेरिमेंटल जो सी वीडियो वो मिलती रहें करेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब इसको हमें इस तरह एडजस्ट करना है कि ये लाइट जो सी काफ़ी दूर तक जाएगी। अगर पीछे रख के लगाएंगे तो लाइट कम जाएगी, आगे रख लेंगे ज़्यादा ज़्यादा लाइट जो सी वो फैलेगी और ज़्यादा दूर तक जाएगी। इस तरह करके हम जो है इसको अब फिट करेंगे। ये कैंची के साथ मैंने होल कर ली, यहाँ से हम 2 तारें वो निकाल लेंगे। ये 2 तारें जो सी अब इसको मैंने अपने साथ एडजस्ट कर लिया। मैंने अंधेरे में ले करके इसको मैंने इसके अब मैं अल्फी के साथ इसको अच्छी तरह चिपका दूँगा। अब हम अपने इसकी टेस्टिंग के सहारे से पहले इसको पीछे से अच्छी तरह बंद कर लें। दोस्तों, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाते वक्त, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बस इतना सा काम करना है। अपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो कम्प्लीट देखा करें। ये जो सब काफ़ी अच्छे से जो सब बंद हो गए इसके साथ। अब इसको मैं अल्फी के साथ जो है हम लगा कर हम इसको छुपा देंगे। अब इसकी टेस्टिंग की जाती है बारी। इसे लेंस वगैरह हर चीज़ जो है सेट हो गई है। अब ये मैं इसको जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ अपने उसके ऊपर मैंने इसको लटका लिया ऊपर मैंने, और ये जो सी 2 तारे आप देख रहे हैं ये आउटपुट जा रही है, इसकी इनपुट जो सी है। अब इसके ऑन करता हूँ मैं, ये लाइट मैंने ऑन की है, हम बैक फ्लैश बंद कर दिया मैंने। यह देख रहे हैं लाइट जो सी सीधी ये कीबोर्ड के ऊपर जा रही है। इस तरह की लाइटिंग बनानी थी जहाँ से कीबोर्ड ऊपर सीधी जाए और कंप्यूटर रूम के लिए ना काफ़ी खूबसूरत लगती है ये लाइट। ये आप देख सकते हैं मोबाइल की वजह से अंधेरा आ रहा है ऊपर, लेकिन ये लाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी जो सी ना। वैसे दीवार के साथ मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दीवार के ऊपर भी देख सकते हैं काफ़ी इसकी जो है ब्राइट है, इस तरह करके ना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है इसकी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।